हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन नवंबर 2020 का पार्ट सी का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का। देखिए क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 1। ओके, ये बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है बेसिकली, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी डोमेन के ऊपर, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा अगर वो एंड पॉइंट पे, जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली। ठीक है, तो क्या रिजल्ट है, मतलब बेसिकली हम यहाँ ही लिख सकते हैं कि अगर जैसे फॉर फाइनाइट इंटरवल के लिए ये है, फाइनाइट इंटरवल के लिए कंडीशन है कि अगर एफ कोई फंक्शन है ओपन ए बी से आर के ऊपर और कंटिन्यूअस है, ठीक है, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्सटेंड्स टू बी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, तो एंड पॉइंट ये देखते हैं पहले, उन्हें कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, सो यहाँ पर इंटरवल क्या है हमारे पास, हेयर इंटरवल जो है वो है 0 से 1 तक। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो एंड पॉइंट मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे फाइंड करें, इसकी लिमिट 1/x कितनी आएगी, इन्फिनिटी, तो नॉट यूनिफॉर्मली। सेकेंड पॉइंट पे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ओके, तो ऑप्शन 1 तो इसका फॉल्स हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, तो उसके इस पर चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड sin 1/x ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब थर्ड को देखें, तीसरे पॉइंट को, अगर तीसरा पॉइंट है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स sin 1/x, इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर लिमिट की फाइंड करेंगे तो 0 एक्स की वजह से इनटू sin 1/x, कोई एक फाइनाइट नंबर आएगा। जब जब हम इसका ग्राफ जो होता है, बेसिकली ग्राफ इसका आपको पता होगा कुछ ऐसे चलता है, यहाँ इसकी नेबरहुड में, 0 की नेबरहुड में ये रूट मतलब बहुत तेजी के साथ में ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, कई कई बार ये ऊपर नीचे ऐसे रोटेट करता है यहाँ पर 0 की नेबरहुड में, तो कोई फाइनाइट नंबर मिलेगा इंटू 0। ठीक है, 0 इंटू फाइनाइट नंबर, तो 0 आ गया, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, यूसी हो गया, क्योंकि एंड पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इसी तरह अगर फोर्थ को चेक करेंगे हम, तो इसकी लिमिट फाइंड कर लो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 sin x/x ये भी एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली। ठीक है, एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो ये भी यूसी हो गया। तो कौन कौन से यूसी हो गए हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड 1 एंड 2 आर नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ओके, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको पसंद आए, अगर ये आपको समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।